हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ कोरोना वायरस सेफ्टी। जैसा कि आप लोग जानते हो, कोरोना वायरस पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में आ चुका है और इंडिया में भी आ गया है। और इंडिया में दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला बहुत सी जगह कोरोना वायरस आ गया है। तो इसकी कुछ सेफ्टीज हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो आज वही छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को बजाना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो तो भैया वीडियो को भी तो लाइक कर देना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस सेफ्टी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप कभी भी बाहर जाते हो, जैसे अभी आपको कोई अर्जेंट काम है, आप बाहर जाते हो या खेलने भी जाते हो, तो आप जा रहे हो, लेकिन जब आप आ रहे हो घर में तो आपको सबसे पहले घर में घुसते ही क्या काम करना है? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। आपको घर में सबसे पहले आते ही हैंड वॉश करना है। जी हाँ, हैंड वॉश करना है आपको, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं। तो जब हम अपना ये जो हाथों में हमारे जर्म्स होते हैं, इनको हम आते ही मतलब बिना हैंड वॉश करे घर में बैठ जाएंगे, अपना ऐसे करेंगे, नाक को छुएंगे, कान को छुएंगे, आँख को छुएंगे, तो इससे जो है ये जो मैंने सब आपको बताया ना, नाक कान मुंह ये सब, इन सब से आपके जो जर्म्स है ना हाथों में, अगर आप इन्हें छुओगे तो इन सब से आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स जा सकते हैं। तो और इसीलिए आपको हैंड वॉश करना है हमेशा जब आप बाहर से आओगे। और इजीली अगर आप बाहर हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, ये आप यूज कर सकते हो जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तब। और जब भी बाहर जाओ तो एक मास्क जरूर लगा के जाना, ओके? क्योंकि मास्क लगाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे अंदर जर्म्स नहीं आ पाएंगे। और जब हम हाथों में सैनिटाइजर लगाएंगे तो सारे जो जर्म्स है वो किल्स हो जाएंगे। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप भीड़ भाड़ वाली जगह जो होती है ना, वहां जाना अवॉइड करिए। जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, अगर आप वहां पे जाओगे, आपको क्या पता है कि वहां पे कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कोई आदमी होगा, कोई इंसान होगा, तो आपको भी इन्फेक्ट हो सकता है। आप सिनेमा हॉल्स, मॉल्स और ये सब जो जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे जाना अभी के लिए बंद कर दीजिए फॉर टिल वन मंथ। और उसके बाद आप जहां भी जाना चाहते चले जाइएगा, लेकिन अभी मत जाइए क्योंकि आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। और जब भी घर में आए तो हैंड वॉश करें, क्योंकि जर्म्स आपके अंदर जा सकते हैं। तो चलिए फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप छींकें, जैसे अभी आप हैंड वॉश करके आए हैं, ओके, उसके बाद आप जब छींकते हो तो आप हमेशा ऐसे ही छींकते हो, ऐसे अच्छी ऐसे छींकते हो, तो आप हैंड वॉश करके आए हो, आपने ऐसे छींका, तो आपके हाथ में दोबारा से जर्म्स आ गए। जी हाँ, आपके हाथों में दोबारा से जर्म्स आ गए जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। और आप उसके बाद अपने हाथ कान छुओगे तो वो आपको इन्फेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने हैंकी से भी मत करिएगा, क्योंकि हैंकी को आप अपने जेब में रखेंगे, उसके बाद हम फिर से निकालेंगे, फिर से यूज करेंगे, तो फिर वो जर्म्स अंदर ही जाएंगे इसलिए। और अगर आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो आप ऐसे करिए, ऐसे करके फिर खांसी, क्योंकि इससे जो है हमारे क्लोज में जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा जर्म्स। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। और चलिए फिर अभी मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताती हूँ। और हाँ गाइस, जैसे अगर आपको फन करना है घर में ही, क्योंकि बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन अगर आप जाते हो तो फिर यू नो व्हाट कैन हैपन, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाना अवॉइड करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको घर में ही फन करना है तो आप घर में चला टीवी चला के मूवीज देख सकते हो और कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स को बुला के, लेकिन जहां तक है आप बाहर जाना अवॉइड करिए। और जैसे आपको कोई अर्जेंट काम है, जैसे आपको शॉप पे जाना है या कुछ भी है, तभी बाहर जाइए। यही सब थे मेरे कोरोना वायरस सेफ्टी के
कुछ पॉइंट्स जो अगर आप फॉलो करें तो शायद आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास मास्क नहीं है तो जाके अभी ही मास्क खरीदिए, और सैनिटाइजर तो सबके पास होता ही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जाके सीधे से जल्दी जल्दी खरीदिए, क्योंकि इनका यूज तो है ही है। पर ऊपर से हैंड वॉश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।